और नीतीश सिंह दो जने को कस्टडी में लेके 288 ये जो मेटाफरमाइन सल्फेट इंजेक्शन सीज करे, वो जिम वाले जो जिम को जाता है वो बच्चों को ऐसा तंदुरुस्ती के ऐसा मसल्स आने के लिए ये ड्रग ये लोग इंजेक्शंस यूज़ करके एक घंटे करने वाले दो घंटा जिम कर सकते हैं, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर बढ़ के वो लोग कार्डियो फेल होके मर जाने के चांसेस बहुत है और वो लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोलैप्स होने का चांसेस है। ये प्रोहिबिटेड ड्रग है, अनलेस अंटिल डॉक्टर सर्टिफाई करे तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं तो देते ये ड्रग को। जनरली जस्ट लाइक दैट ये इंडिविजुअल नहीं ले सकते, ये लोग कानून को हिसाब से नहीं कर रहे, इसलिए वो लोगों के ऊपर अच्छा केस कर रहे, कानून के सामने पेश कर देंगे ये लोगों को। ये पब्लिक की जनता से भी अपील है, ये ड्रग्स ना को यूज़ करो, ये आपको अननेसेसरी, यू आर इन्वाइटिंग द डेथ। कल जो है सो अपना मलारदेवरम पल्ली में एक सोहेल नदी और नीतीश सिंह दो जने को कस्टडी में लेके 288 ये जो मेटाफरमाइन सल्फेट इंजेक्शन सीज करे, वो जिम वाले जो जिम को जाता है वो बच्चों को ऐसा तंदुरुस्ती के ऐसा मसल्स आने के लिए ये ड्रग ये लोग इंजेक्शंस यूज़ करके एक घंटे करने वाले दो घंटा जिम कर सकते हैं, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर बढ़ के वो लोग कार्डियो फेल होके मर जाने के चांसेस बहुत है और वो लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोलैप्स होने का चांसेस है। ये प्रोहिबिटेड ड्रग है, अनलेस अंटिल डॉक्टर सर्टिफाई करे तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं तो देते ये ड्रग। जनरली जस्ट लाइक दैट ये इंडिविजुअल नहीं ले सकते, ये लोग कानून को हिसाब से नहीं कर रहे, इसलिए वो लोगों के ऊपर अच्छा केस कर रहे, कानून के सामने पेश कर देंगे ये लोगों को। ये पब्लिक की जनता से भी अपील है, ये ड्रग्स ना को यूज़ करो, ये आपको अननेसेसरी, यू आर इन्वाइटिंग द डेथ।